मैं बता नहीं सकता, काफी मस्त जगह, ऐसा एक्सपीरियंस हम लोगों ने कभी किया नहीं था लेकिन आज कर रहे हैं गाइस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और आप जानते हो सुबह सुबह रेडी होने का मतलब क्या होता है। सो गाइस, दिन के बज रहे हैं 7 और मैं लेट हो रहा हूँ। और गाइस, आज क्लास 12th का मैथ एग्जामिनेशन है और जो कि मैं पढ़ाता हूँ। सो गाइस, देखते हैं, वैसे तो मेहनत बहुत की है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो फिलहाल गाइस निकलते हैं यहाँ से फटाफट स्कूल के लिए। और गाइस, कल बारिश भी बहुत तेज हुई थी और बारिश होने के कारण लाइट नहीं आई थी, लाइट नहीं होने के कारण मैंने ब्लॉग भी नहीं शूट किया। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं ब्लॉग ना करने के। तो गाइस, आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और लास्ट बच्चों के साथ मेरा लास्ट डे भी हो सकता है। कुछ बच्चे हो सकते हैं स्कूल में पढ़े, कुछ डिफरेंट स्कूल में चले जाए, तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो गाइस, चलिए फटाफट चलते हैं बच्चों के साथ और बस में आपको दिखाते हैं। वैसे बस देखिए, बस जाती है क्या जाती है, पिछली बार बस बिगड़ गई थी तो हम लोगों को आते आते गाइस बज गया था 8 घर पर, मुझे आते आते बता रहा हूं मैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का, वैसे सब पॉजिटिव रहे, चलिए फिर चलते। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग स्कूल के लिए निकल चुके हैं जहां पर सेंटर है। बच्चों, एक बच्चे को मैंने बैठा है, बाकी सारे बच्चे गाड़ी पे आ रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह मुझे लग रही है, देखिए पुल है और नीचे पूरा जो नहर जा रही है और पीछे गाड़ियां भी आ चुकी है। हाँ, सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर नाश्ता वास्ता करने के लिए रुके हैं और यहाँ पर सभी बच्चे अपना अपना मस्त रेडबुल और पता नहीं क्या स्टिंग लेके मजे हैं। ओए बोलो इधर, कैसा क्या पेपर? ठीक ठाक, ओके। ब्लेंडर फ्राइड भी सर आएगा, लेके आया चिंगम मैंने, ले लीजिए। कैसा क्या पेपर? इसे हटा के बोलो। हाँ भाई, तुम्हारा कैसा गया? सबका अच्छा गया? हे गाइस, फाइनली सबका एग्जाम खत्म। गाइस, सुबह इसी जगह पर यहाँ देख पा रहे हैं यहीं पे गाड़ी खराब हो गई थी बच्चों की, और हालांकि दो गाड़ी से बच्चे चले गए थे, एक गाड़ी यहीं खराब हो गई थी तो मुझे वापस रिटर्न होना पड़ा। तो मेरे साथ एक बच्चा, ये हिमांशु था, और एक सौरव नाम का लड़का था जिसको मैं अपनी बाइक पे लेके गया। और फाइनली आज मैथ्स का पेपर था, पनौती तो बहुत सारी लगी लेकिन पेपर बहुत ही गजब गया। क्यों हिमांशु? एक नंबर, बढ़िया पेपर गया ना? बहुत मस्त गया। सो गाइस, सबका पेपर तो बहुत अच्छा गया और काफी पॉजिटिव सबका एटीट्यूड भी रहा। और गाइस, ये आपको दिखाते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, क्या बोलते इसको। सो गाइस, ये रहा कुछ डैम टाइप, काफी इंटरेस्टिंग जगह लगी मुझे, काफी मस्त है। देखिए पूरा लोहे का बना हुआ है और ये पानी रोकने के लिए डैम टाइप बना होता है। देखिए गाइस, ऊपर एक चिड़िया भी है, काफी इंटरेस्टिंग जगह। और यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ देखिए पानी वाली जगह अभी तो नहीं है नदी में, पहले पानी रहता तो बहुत तेज पानी यहाँ पर बहता रहता हमेशा। चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये रही चिड़िया। सो गाइस, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ लेते, देखते हैं आपको दिखाते हैं ऊपर की सीन, काफी मस्त जगह लग रही है। आओ तुम भी हिमांशु। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ से क्या नज़ारा आ रहा है, वेरी। हमारी गाड़ियाँ भी देखिए वो आ रही हैं, बिल्कुल अभी जस्ट आ जाएंगी। और काफी इंटरेस्टिंग जगह लग रही है गाइस, चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, देखो रीढ़ की डर लग रहा है यार ऊपर से नीचे, काफी मस्त जगह है गाइस। सो गाइस, काफी ऊपर आ गए, देखिए गाइस ये देखिए कितना मस्त जगह है, काफी इंटरेस्टिंग जगह है गाइस। अरे कहीं नीचे वाला पहुंच जाए, यू बड़का निकल गया। काफी गजब, देखिए क्या मतलब क्या हिसाब से बनाया गया गाइस, काफी यूनिक चीज है। अब मुझे समझ में, स्टार्ट कैसे होता है, चलता कैसे है? शायद वहां से मशीन इंजन होता है, क्या होता है? इंजन लगा दे, मेरे यहां देखिए बैंक लगी, इंजन लगा है। अच्छा, इंजन चलता है फिर इसको उठाता है ना पूरा, ये देख रहे हैं इंजन लगा है। ओ गाइस, हम लोग कितने ऊपर है, बिल्कुल पूरा डर लग रहा है, देखिए कितने नीचे हम लोग हैं। अरे राम, पूरी बैरिंग लगी है, काफी गाइस डरावनी जगह है यहाँ पर, मां जान लीजिए। और ये देखिए पूरा बैरिंग ही बैरिंग लगा हुआ है। क्यों मानसु, पहली बार चढ़े हो ना इस पे? पहली बार देखा हूं, नहीं पहली बार। गाइस मैं भी पहली बार ही चढ़ रहा हूँ और हमारी गाड़ियां भी आ चुकी हैं यहाँ पर। सो गाइस, ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग जगह है और मतलब मैं बता नहीं सकता, काफी मस्त जगह है, ऐसा एक्सपीरियंस हम लोगों ने कभी किया नहीं था लेकिन आज कर रहे हैं गाइस। और आप देख सकते हैं काफी नीचे पानी पूरा एकदम से है, पानी अभी मान लीजिए है नहीं लेकिन हम लोग ऐसे घूमने के लिए आए हैं तो हम लोग जा रहे थे, बट हमको ये बड़ा इंटरेस्टिंग जगह लगा तो हमने कहा थोड़ा सा रुक के यहाँ पर वीडियो शूट करते हैं, चलो।
सो गाइस फाइनली चलते हैं नीचे और सीधे चलते हैं, अपनी गाड़ियां वेट कर रही है, फटाफट चलते हैं उधर से। नहीं इधर से, अरे तुम लोग भी जाओगे? ठीक है जाओ जाओ जाओ। हाँ बेटा तुम भी हो, टेंशन नहीं, और थोड़ा बचा के बचा, नीचे से ऊपर ना पहुंच लो। तो गाइस फाइनली हम शाहपुर मार्केट में रुके हुए हैं और यहाँ देखिए काफी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है, पूरी भीड़ भीड़ यहाँ देखिए, काफी ज्यादा भीड़ है। सो हे गाइस फाइनली मैं अभी स्कूल पे पहुंच चुका हूँ और स्कूल के हॉस्टल में यह किचन है, ये अभी खाना खा रहा हूँ। सो गाइस खाना खा रहा हूँ अभी, और खाना खाने का, और गाइस आते आते बज चुके हैं शाम के 4:30 बज रहे, तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हॉस्टल में खाना खा रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे सीधे घर की तरफ और देखते हैं घर पे क्या माहौल है। सो हे गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूँ, और गाइस अभी शाम के बज रहे देखिए 5, और 4 बजे मैं निकला था, खाना बिना खाते खाते हम लोग मतलब 5 बजे अभी आया हूँ, और ऋतिक के लिए कुछ लाया हूँ। ऋतिक सो गाइस ये स्लाइस का लेके आया हूँ, बड़ा स्लाइस, और काफी इसको पसंद है, तो मैंने कहा लेते चलते हैं, काफी डिमांड करता रहता है इस चीज की। तो स्लाइस है 1.25 लीटर में, 1.25 लीटर में, आई थिंक 2 लीटर कुछ होगा समथिंग। तो गाइस पहले ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया हूँ गाइस मैं। सो हे गाइस अभी मैं जब आया था तब से मैं यहाँ पर सोया पड़ा था, एक्चुअली मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा था, और गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7, और साथ में ऋतिक भी सोया था यहाँ पर। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं खाने में क्या बन रहा है आज, क्योंकि भूख भी लगी है सुबह से, कोई हॉस्टल में खाया था, और देखते हैं आज क्या बन रहा है यहाँ घर पर। सो गाइस यहाँ पर सब्जी वब्जी कटी है आई थिंक, क्या बन रहा है आज? लिट्टी चोखा। सो गाइस लिट्टी चोखा यानी कि भौरी चोखा बन रहा है अभी, देखते हैं कब बनेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर चलते हैं बाहर, क्योंकि आप देखिए हवा इतनी तेज चल रही है कि पर्दा पूरा हिल रहा है देखिए। सो गाइस अपना खाना भी आ चुका है, और खाने में देखिए ये बनी है भौरी, इसको लिट्टी बोलते हैं, ये प्याज सलाद हो गया, ये अपना चोखा हो गया, और ये अपनी दाल होगी। तो गाइस ये रहा कुछ खाना, खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय। सो हे गाइस फाइनली अभी मैं सोया था और लाइट कट गई।